शासकीय राजीव गांधी जन चिकित्सालय में मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ती हुई तादाद में दिखाई दे रही है, लेकिन ओपीडी के समय दो डॉक्टर ही मरीजों का इलाज करते दिखे। अस्पताल में जहां मरीजों की संख्या देखते हुए डॉक्टर्स की वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए उन्हें तैनात किया जा सकता था, लेकिन सिर्फ दो डॉक्टर्स ही शासकीय अस्पताल में मोर्चा संभाले हुए है, जिससे मरीजों का हाल बेहाल हो रहा था। देखिए खास रिपोर्ट। एक महिला भी चक्कर खाकर अस्पताल परिसर में नीचे गिर गई थी। वहीं अस्पताल का आलम भी कुछ और ही नजर आया। पुरुष वार्ड में एक कक्ष में कूलर बंद था। मरीजों का कहना है कि कूलर चलता ही नहीं है। उस कमरे में बदबू और उमस से मरीज काफी परेशान हो रहे हैं। कूलर कूलर चल रहा है, चल रहा नहीं, चल रहा आपने कहा नहीं कि कूलर चला तो कोई आया आपके पास? उसके बाद अब पता चला है कि जो वहाँ से टीम आई थी देखने के लिए, उसने प्लान की एक उसकी कोई सी कॉइल खराब हो गई है, तो वो कॉइल यहाँ पे ढूंढाई हमें यहाँ तो नहीं मिली बासोदार में, और वो कॉइल जो विदेश आए भोपाल से मंगा रही है, वो बस कॉइल लग करके फिर वो शुरू होने का अब पूरी उम्र ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है ना। जो हमारे इमरजेंसी में डॉक्टर हैं पदस्थ हैं वो केवल चार हैं इस समय, तो इससे होता क्या है कि एक समय में केवल एक डॉक्टर साहब उपलब्ध हो पाते हैं इमरजेंसी के लिए, जबकि भीड़ यहाँ पर बहुत होती है। काम है जिला अस्पताल से किसी के बाद में कम नहीं है मरीजों की संख्या के हिसाब से, और स्पेशलिस्ट में भी हमारे पास नाक कान करने वाले डॉक्टर नहीं हैं, एलर्जी वाले डॉक्टर नहीं हैं, और हमारे जनरल मेडिसिन वाले डॉक्टर नहीं हैं, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, जिस वजह से सोनोग्राफी नहीं हो पाती मशीन होने के बावजूद भी, और स्किन के डॉक्टर नहीं है तचोरों वाले। शनिवार के दिन शासकीय राजीव गांधी जन चिकित्सालय में मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या बड़ी तादाद में देखी गई, जहां मरीजों के हाल बेहाल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, गंजबासौदा।